नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना तथा घनमूल निकालना। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम 3 से 4 सेकंड में मात्र कैसे हल कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, आज वो हम इसकी ट्रिक जानेंगे कि कितना कम समय लेकर के हम वर्ग निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं अर्थात वर्गमूल निकाल सकते हैं और घनमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो मेरे चैनल पे दर्शक नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वर्गमूल, वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना और घनमूल कैसे आसानी से निकाला जाता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं 43 का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो जब 43 का स्क्वायर जैसे निकालते हैं तो उसके लिए हम 3 स्पेस ऐसे बना लेते हैं, अर्थात पहला स्पेस यहाँ खींचेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। उसके बाद दोस्तों करेंगे क्या, 3 का स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे, 4 का स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, 2, 3, 4, इन तीनों को गुणा करेंगे तो जाती है 12, 12 दुनी के 24, 24 के यहाँ 4 लिख देंगे और जो हासिल होता है वो यहाँ ऊपर में लिख देंगे। इसके बाद इन सबको जोड़ देंगे तो 9 का 9, 4 का 4 और 16 और 2 जोड़ देंगे तो 18, तो ये हमारा 43 का वर्ग निकल जाएगा। अब आते हैं 27 का वर्ग निकालते हैं। तो 27 का वर्ग निकालते समय 3 स्पेस फिर बनाएंगे और 7 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 2 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और जो हासिल होती है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, अर्थात 7 का स्क्वायर करेंगे 49, हासिल आएगा 4, यहाँ ऊपर लिख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 तो यहाँ 4 लिख देंगे और इन तीनों को फिर गुणा करेंगे, अर्थात 2 7 14 2 9 28, 28 का यहाँ लिख देंगे 8 और हासिल जो हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे 2, तो यहाँ 8 हो गया और यहाँ 2 हो गया। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये 9 का 9 हो जाएगा और 8 और 4 12 के 2 हो जाएगा और 4 और 2 6 और इधर 1 मिल करके 7। दोस्तों ये 8 है तो 8 4 12 के 2 4 2 6 1 7 हो जाएगा, तो 729 27 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, जैसे 73 का स्क्वायर निकालना है। तो 73 स्क्वायर निकालना है तो 3 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 7 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और फिर इन तीनों को गुणा करके बीच वाले में लिख देंगे, अर्थात 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और इन तीनों को 7 3 2 को गुणा कर देंगे तो 70 21 21 2 9 42, 42 का यहाँ 2 लिख देंगे और 4 जो है आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अर्थात 9 का 9, 2 का 2 और 49 में 4 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 53, अर्थात 73 का स्क्वायर हो जाएगा 7 53 0 53 29। अगला आते हैं दोस्तों, देखते हैं 36 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 36 का स्क्वायर निकालने के लिए सेम वही प्रोसीजर है, 6 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 3 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और फिर इन तीनों को स्क्वायर करके, तीनों को आपस में गुणा करके बीच में लिखेंगे और जो हासिल आती है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे, अर्थात 6 का स्क्वायर 36, हासिल हुआ 3, 3 को ऊपर यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर लिख देंगे 9 और इन तीनों को गुणा करेंगे 3 6 2 को तो 36 18 2 9 36 6 लिख देंगे और फिर यहाँ हासिल हो जाएगा 3, 3 को आगे बढ़ा देंगे, अर्थात 6 का 6 6 3 9 9 3 12, अर्थात 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। अब दोस्तों देखते हैं दूसरे तरीके से किन किन तरीकों से और निकाल सकते हैं। जैसे हमारा अगला संख्या है 50 का स्क्वायर, तो 50 के आसपास जो संख्याएँ पड़ती हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और यहाँ देखते हैं दोस्तों 100 का स्क्वायर 10,000, अर्थात 100 के आसपास जो संख्याएं पड़ती हैं उनको हम कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों देख रहे हैं कि 50 का स्क्वायर 2500, यहाँ 100 का स्क्वायर 10,000, तो यहाँ नीचे चलते हैं 50 के आसपास जो संख्याएं पड़ती हैं उनका निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला ले लेते हैं 51, तो 51 का स्क्वायर जैसे निकालेंगे तो यहाँ 51 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, अर्थात ये 1 जो है इस 25 में जुड़ जाएगा। दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है, इधर की संख्या में नहीं, सिर्फ इधर की संख्या में जोड़ना है डबल डिजिट में, अर्थात 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26, तो यहाँ 26 लिख देंगे और फिर जो ज़्यादा संख्या है उतना का स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ डबल डिजिट में लिख देंगे 01,
अगला देखते हैं दोस्तों, 53 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो 53 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो ये 3 जो है इस 25 में जोड़ देंगे, तो 25 3 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, और यही 3 का फिर स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 09। अगला देखते हैं दोस्तों, 57 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे, 57 जो है 50 से 7 ज़्यादा है, तो 7 जो है इस 25 में जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ देंगे तो 25 और 7 मिल करके 32 हो जाएगा, और जितना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर कर देंगे तो 7 × 49, तो 32 × 49 जो है 57 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से अगला बढ़ते हैं, तो अगर 49 50 से कम का स्क्वायर, अब ये तो ज़्यादा के ज़्यादा के ले लिए, अब हम कम का अगर स्क्वायरिंग निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो 49 जो है 50 से सिर्फ एक कम है, तो एक कम है तो इस 25 में एक कम कर देंगे, तो एक कम करेंगे तो 25 में 24 हो जाएगा, और जितना कम है उसी का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों इकाई अंक से कोई मतलब नहीं है, जितना कम है या जितना ज़्यादा है उसी से मतलब रखना है, तो यहाँ एक कम हो रहा है 50 से, तो उस एक का स्क्वायर कर देंगे तो 01 हो जाएगा, अर्थात 49 का स्क्वायर 24 01 हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं 46, आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 44 ले सकते हैं, 42 ले सकते हैं, उसी हिसाब से आपको करना होगा। तो 46 को देखते हैं, तो 46 जो है 50 से 4 कम है, तो हमको इस 25 में 4 कम करना होगा, अर्थात ये हो जाएगा 21। अब वो 4 जो कम है उस संख्या का स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है, तो 4 का स्क्वायर कम करेंगे तो यहाँ 16। दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ एक ज़्यादा हो रहा है, यानी जो संख्या ज़्यादा हो रही है उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, और जो संख्या यहाँ कम हो रही है उसका इस साइड में स्क्वायर कर रहे हैं, और जो संख्या ज़्यादा हो रही है उसको जोड़ रहे हैं, और जो 50 से कम हो रही है उस संख्या को घटा रहे हैं, तो इस तरह से इन सभी संख्याओं का स्क्वायर निकाला जाता है। अब देखते हैं दोस्तों 100 के करीब, तो 100 के ऊपर चलते हैं, तो 100 के ऊपर पहला 101 का निकालते हैं, तो 101 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ से डिफरेंट होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 101 का जैसे स्क्वायर निकालते हैं तो ये जो है 101 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो जस्ट एक का दुगना करके 100 में जोड़ देंगे, यानी एक का दुगना करेंगे 2 हो जाएगा, तो 100 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 102, और जितना ज़्यादा है उसका फिर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 01, अर्थात ये एक ज़्यादा है तो एक को दुगना करके जोड़ दिए 100 में तो 102 हो गया, और जितना ज़्यादा उसका फिर स्क्वायर करके इस साइड लिख दिए तो यानी 01। उसी तरह अगला देखते हैं दोस्तों, अगर हम 103 का स्क्वायर ज़्यादा 103 का स्क्वायर निकालना है, तो ये जो है 100 से कितना कम है, ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 को डबल करेंगे तो कितना आएगा, 6 का होगा, तो 100 में 6 जोड़ देंगे तो यानी 106 हो जाएगा। अब हमारा एक तरह का काम कंप्लीट। दूसरा आते हैं तो दूसरा यही इकाई डिजिट, जो जितना ज़्यादा होगा उसी को लेना है, तो 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09, तो इस तरह से 103 का स्क्वायर हो जाएगा 106 09। अगला 106 का अगर इसी तरह निकालना है, तो यहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा का मतलब है हमको डबल करना है, तो 6 × 12, अर्थात 100 में 12 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा, और फिर 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अब कम पे आते हैं दोस्तों, कम में जैसे 99 का स्क्वायर अगर निकालना है, तो यहाँ 99 जो है 100 से कितना कम है, एक कम है, जस्ट डबल करके यहाँ पे माइनस करना है, तो जैसे यहाँ डबल करके प्लस करते थे, यहाँ डबल करके माइनस करना है, यानी एक का डबल करेंगे 2, तो 100 में 2 घटा देंगे तो 98 हो जाएगा, तो यहाँ 98 लिख देंगे, और चूंकि ये एक कम था उसी एक का स्क्वायर करना है तो यहाँ 01। दोस्तों जितना कम है जितना ज़्यादा हमें उसी से मतलब है, इकाई के स्थान पे क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ 01 हो जाएगा। उसी तरह 97 का अगर स्क्वायर निकालना है, तो सेम 97 जो है 100 से 3 कम है, तो 100 से 3 कम है तो 3 का जस्ट दुगना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 6 को 100 से कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 94, और 3 कम है तो उसी 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 09, अर्थात 97 का स्क्वायर निकालेंगे तो 94 09 हो जाएगा। तो
तो दोस्तों ये स्क्वायर निकालना, कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये कुछ ट्रिक्स रहे हैं, दो दो संख्या का, तीन तीन डिजिट का, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला आते हैं दोस्तों स्क्वायर रूट निकालते हैं कैसे कैसे। दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने से लिए सबसे पहले हमको एक से दस का कम स्क्वायर याद होना जरूरी है। अगर याद नहीं है तो यही जो है एक बेस होता है, अगर बेस याद नहीं है तो आप कोई सी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसको कम से कम आपको याद होगा और मुझे लगता है कि एक से दस तक किसी और मुझे लगता है कि एक से दस तक सबको याद भी होगा। तो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, छः का स्क्वायर छत्तीस, सात का 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का 81, दस का 100। दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे एक का स्क्वायर एक आ रहा है तो यहाँ नौ का स्क्वायर कर रहे हैं तो 81 यानी इकाई अंक एक आ रहा है। तो एक और नौ का जैसे स्क्वायर निकालते हैं यूनिट डिजिट हमारा सेम हो जाता है, अर्थात एक का स्क्वायर और नौ का स्क्वायर का यूनिट डिजिट सेम होगा। तो जैसे ही इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इन दोनों का वर्गमूल एक आएगा, अर्थात इकाई अंक पे हमारा एक आएगा। तो हमें ध्यान देना होगा आगे चल करके जब हम वर्गमूल निकालेंगे। उसी तरह दो का स्क्वायर करेंगे तो भी चार आता है, आठ का स्क्वायर करेंगे तो भी चार आता है, तीन का स्क्वायर करेंगे तो भी नौ आता है, सात का स्क्वायर करेंगे तो भी नौ आता है, चार का स्क्वायर भी 16 आता है, छः का स्क्वायर भी 16 अर्थात इकाई अंक 6 आता है, और पाँच का चूँकि चेंज नहीं होता है तो पाँच से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सभी संख्याओं को हमको ध्यान देना होगा। तो चलिए दोस्तों सवाल बनाएंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहला सवाल, अगर 82 81 है तो इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, इन दो डिजिट को अलग और इन दो डिजिट को अलग करते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया 81, 81 में हमारा इकाई अंक हमारा एक हो गया, अर्थात इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा इकाई अंक पर हमारा एक भी आ सकता है और नौ भी आ सकता है। तो इन दोनों में कौन होगा ये फैसला बाद में कर लेते हैं, सबसे पहले इधर आते हैं। तो ये 82 जो है, 82 किन किन स्क्वायर के बीच में है, अर्थात 9 के स्क्वायर के 81 होगा और 10 के स्क्वायर 100 होगा, तो 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में है। तो जब बीच में पड़ जाता है तो सबसे पहले हम छोटा वाला संख्या को लेकर के चलते हैं, अर्थात 9 और 10 के बीच में है तो सबसे छोटा 9 और 10 में हो गया 9, तो हम यहाँ लेंगे 9। उसके बाद इस एक और 9 में कौन सा यहाँ संख्या होगा, उसके दो तरीके हैं। या तो आप इन 10 और 9 को आपस में गुणा कर लीजिए और उससे देखिए कि ये संख्या छोटा है या बड़ा है, अर्थात 9 गुणे 10 करेंगे तो 90 हो जाएगा और 90 से ये 82 जो है छोटा है, तो इन दोनों में से छोटा वाला संख्या को लिख लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों में से कौन संख्या यहाँ होगा, तो जिसके ये नज़दीक ज़्यादा होगा, अर्थात यहाँ हो गया 81 और यहाँ हो गया 100, तो 81 एक 82 हो रहा है और 82 से आगे बढ़ेंगे तो 100 बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, अर्थात यहाँ इसके क्लोज है, 81 के 82 क्लोज है, तो ये छोटा वाला संख्या के क्लोज है, तो यहाँ इन दोनों में से छोटा वाला लेंगे। तो इस तरह से इकाई अंक प्राप्त करने के लिए हमारे दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों डिजिट को गुणा करके देख लीजिए कि उससे छोटा है तो छोटा वाला, बड़ा है तो, अर्थात यहाँ अगर हो जाता, अगर यहाँ इन 9 90 के बजाय 95 यहाँ बीच में होता तो आपका यहाँ बड़ा वाला संख्या यानी 9 लेना पड़ता, चूँकि 82 कम है तो इस वजह से एक लेना, छोटा वाला संख्या लेना है। तो इस तरह से दोनों संख्या में जो देखेंगे कि कम वाला है तो कम वाला लेंगे और ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा लेंगे। अगला दोस्तों देखते हैं, जैसे ही सवाल बनाएंगे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारा क्लियर होता जाएगा। तो अगला देखते हैं दोस्तों 29 16 में चार का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आता है यानी 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक 6 आता है। तो इन दोनों में इकाई अंक क्या होगा वो बाद में तय करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो 29 यहाँ लिख लेंगे और ये 29 जो है 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, तो सबसे पहले हम छोटा वाला लिखते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन संख्या होगा, तो सबसे पहले करते हैं 5 × 6 करेंगे तो आएगा 30, 30 से ये 29 कम है तो कम वाला लेंगे,
30 से 29 ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वाला लेंगे, चूँकि कम है तो यहाँ 6 और 4 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर 54। दूसरा तरीका था, यहाँ 25 से 29 जो है क्लोज था, 25 4 29 जाएंगे और 29 से 7 बढ़ेंगे तो यहाँ 6 आएगा, तो चूँकि इसके ज़्यादा क्लोज है तो यहाँ कम वाला के क्लोज है तो कम वाला भी ले सकते हैं, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला आते हैं दोस्तों 64009, यहाँ 5 डिजिट का है तो भी इससे घबराने की कोई बात नहीं है, 2 डिजिट को अलग करेंगे बाकी 3 डिजिट को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ जैसे ही देख रहे हैं 9 हो रहा है दोस्तों, तो 09 जो है 3 के स्क्वायर करने पर भी आता है, 7 के स्क्वायर करने पर भी आता है, तो हमारा 3 और 7 में से इकाई अंक कोई एक होगा। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों 640, तो ये जो है 640 किन किन स्क्वायर के संख्या के बीच में पड़ता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676, अर्थात 25 और 26 के बीच में है। और दोस्तों आपको पता है कि सबसे छोटा वाला संख्या लेकर के चलते हैं तो यहाँ हो जाएगा 25, और चूंकि 25 और 26 के स्क्वायर जो है यहाँ 625 होता है और ये 676 होता है, तो 625 से 15 बढ़ेंगे तो 640 हो जाएगा, और 640 से 76 जाने के लिए आपको 36 बढ़ना पड़ेगा, अर्थात ये जो है 25 की ज़्यादा क्लोज है, तो 25 छोटा संख्या है 25 और 26 में, तो यहाँ भी सबसे छोटा लेंगे तो 7 और 3 में छोटा कौन होगा 3, तो 3 हो जाएगा यहाँ आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा इतना का स्क्वायर रूट 253। अगला इसी तरह से 249 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो 49 जो है 9 जो है इकाई अंक 3 का स्क्वायर करने पर 7 का स्क्वायर करने पर आता है, तो इन दोनों में से आगे क्या आएगा वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इन 204 को बीच में रखते हैं, तो 204 जो है 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में है, चूँकि 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 196 से 204 आने में आपको 8 संख्या बढ़ना पड़ेगा, लेकिन 204 से 225 जाने में आपको 21 संख्या बढ़ना पड़ेगा, अर्थात 14 के ज़्यादा क्लोज है ये, तो आपका इसमें से छोटा वाला संख्या के क्लोज होने का मतलब है छोटा वाला संख्या यहाँ 3 लेंगे, और चूँकि ऑलवेज यहाँ बाएं साइड में आपको छोटा ही लेना है तो यहाँ 15 को लेना ही नहीं है तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 143। आइए दोस्तों घनमूल कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। घनमूल निकालने के लिए दोस्तों जैसे कि स्क्वायर रूट में बताएं कि आपको 1 से 10 तक कम से कम स्क्वायर याद करना होगा, उसी तरह बेसिक 1 से 10 तक आपको घन भी याद करना होगा, तभी जा करके कोई चीज़ आप निकाल सकते हैं। यहाँ दोस्तों देखते हैं 1 का क्यू निकालेंगे 1, 2 का क्यू 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का क्यू होगा 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का 1000। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको याद भी होगा। दोस्तों यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे 2 का क्यू करते हैं तो 8 आता है इकाई अंक पे, और 8 का क्यू करते हैं तो 2 आता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 2 का क्यू 8 आया है और यहाँ 8 का क्यू इकाई अंक पे 2 आ रहा है। उसी तरह आपको 3 का क्यू निकालेंगे तो इकाई अंक 7 आता है, और 7 का क्यू निकालेंगे तो 3 आता है। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात होगी, आपको जब वर्गमूल में घनमूल निकालना होगा तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं, वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ 1 का क्यू होगा तो 1 ही आता है, 4 का क्यू 4, 5 का क्यू 5, तो इन सभी संख्याओं में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो जो संख्या रहेंगी आपका इकाई अंक वर्गमूल घनमूल निकालते समय भी वही हो जाएंगी। तो देखते हैं दोस्तों सवाल बनाएंगे तो क्लियर कर लेते हैं सवाल बनाने के दौरान। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं दोस्तों, वहाँ स्क्वायर रूट निकालना था तो 2 डिजिट लेकर के चलते हैं, यहाँ घनमूल निकालना है तो 3 डिजिट को अलग करते हैं, तो 59319 में 319 को अलग कर लेते हैं। तो 319 में ये जो 9 आया है किसके स्क्वायर, तो 9 का अगर क्यू निकालते हैं तो इकाई अंक 9 ही आता है। जैसे दोस्तों यहाँ देख रहे हैं 9 का 9 होता है, तो यह हमारा इकाई अंक तो हमारा फिक्स हो गया कि हमारा 9 होगा ही होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि इधर वाली संख्या बाएं तरफ संख्या क्या होगी, तो ये बाएं तरफ संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों डिजिट को लेते हैं, ये जो है 59 आता है,
तो इस 59 को क्यू रूट के बीच में पढ़ना है। तो इस 59 जो है कौन कौन से संख्या के क्यू के बीच में पड़ता है, तो 3 का क्यू देखते हैं दोस्तों तो 27 आता है, 4 का क्यू होता है 64, तो 27 और 64 के बीच में 59 है। तो हमारा यहाँ पर सबसे कम वाला संख्या यहाँ भी ले करके चलना है, तो आपको इन दोनों में सबसे कम है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और आपका आंसर हो जाएगा 39। तो यहाँ दोस्तों देख रहे हैं 39 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर ये संख्याएं हैं तो। अगर इन सभी संख्याओं में होती है तो 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 और 7 का 3। तो ये 2 संख्या याद करनी है, 2 और 3, क्योंकि 2 के इनका अगर 2 है तो आपका इकाई अंक 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 3 है तो 7 और 7 है तो 3, और बाकी संख्या तो अनचेंज होते हैं, तो जो संख्या हैं वही संख्या आप लेकर के चल सकते हैं। अगला दोस्त देखते हैं 68921। तो 68921 में आपको 3 अंक इधर से किनारे से निकालना है, तो 921 चूँकि 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा इकाई अंक हमारा होगा 1। अब दहाई अंक याद करने के लिए आपको 68 को किन किन क्यू के बीच में पड़ता है वो देख लेते हैं, तो 4 का क्यू हो जाएगा और 5 का क्यू, और यहाँ हो जाएगा स्मॉल वाली संख्या लेना है तो यहाँ हो जाएगा 4। तो ये हो गई, आपको 2 सेकेंड भी नहीं लगा और आंसर ज्ञात हो गया। इसी तरह आते हैं दोस्तों 157464। अगर इनका क्यू रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 464 3 डिजिट को ही निकाल लेंगे, तो 3 डिजिट में हमारा सबसे पहले देख रहे हैं कि 4 है, तो इकाई अंक हमारा एकदम 4 ही होगा। और 157 को हम देखने हैं कि किन के बीच में पड़ता है, तो 157 जो है 5 के क्यू और 6 के क्यू के बीच में पड़ता है, तो यहाँ हमारा कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे छोटा है उसी को लेकर के चलेंगे, यहाँ 5 ले लेंगे और आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, तो मात्र 2 से 3 सेकंड लाएंगे और क्यू रूट आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं 238 का अगर क्यू रूट निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी 3 डिजिट को अलग कर लेंगे, तो 328 अलग कर लिए। इसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ 8 है, तो 8 का क्यू रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, चूँकि 2 का 8 आता है और 8 का 2 आता है, तो चूँकि 8 इकाई अंक है तो हमारा इकाई अंक यहाँ पर 2 होगा ही होगा। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं 238 है, तो ये 238 जो है किन किन संख्याओं के क्यू के बीच में पड़ता है, तो 7 का क्यू हो जाता है 243 और 6 का क्यू हो जाता है 216, अर्थात इन दोनों के बीच में है, और सबसे 7 और 6 में सबसे छोटा संख्या कौन होगा, 6 होगा, तो हमारा इधर का अंक हो जाएगा 6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 2 सेकंड 3 सेकंड में आप किसी भी संख्या का क्यू निकाल सकते हैं। अगला 2 एग्जाम्पल और है दोस्तों, देख लेते हैं इनको भी। तो 456533 का क्यू रूट क्या होगा, तो यहाँ 533 लेते हैं, चूँकि 533 में यहाँ 3 है तो इकाई अंक हमारा 7 होगा, चूँकि हम दोस्तों पहले ही देख चुके हैं 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है, तो 3 है तो यहाँ हो जाएगा इकाई अंक 7। और 456 जो है किन के बीच में पड़ता है, तो 7 का क्यू करेंगे 343, 8 का क्यू करेंगे तो 512, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, और चूंकि इन दोनों में सबसे छोटा है 7, यहाँ हो जाएगा 7, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 262144 है, तो 144 जो है आपका 4 है तो इकाई अंक तो हमारा 4 ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 2, 3, 7 में ही अंक चेंज आता है, बाकी सब तो रिमेन अनचेंज होता है, यानी जो इकाई अंक है वही आपका इकाई अंक आता ही है, यहाँ 4 है तो 4 आ जाएगा। अब 262 जो है किन के क्यू के बीच में आता है, तो 6 का क्यू और 7 के क्यू बीच में आता है, और चूँकि दोनों में सबसे छोटा संख्या लेकर के चलना है, यहाँ हो जाएगा 6, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा इतना। तो दोस्तों ये रहे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना और घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना। तो 2 से 3 सेकंड में इन सभी को जैसे जितने भी सवाल आ रहे हैं 2 से 3 सेकंड लेकर के आप इस चीज़ को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों
इन सभी वीडियो को ध्यान से और बातों को ध्यान से सुनिएगा और कैसे निकालते हैं दो चार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, हर एग्ज़ाम्स में लगभग एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो जब भी क्वेश्चन आए आप 2 से 3 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं, अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से सुने होंगे। तो दोस्तों ये रहे स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।